हेलो दोस्तों, मैं वर्षा आप लोग के आगे फिर से एक बार हाजिर हो रही हूँ एक नया रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन फ्राई का रेसिपी। ये एकदम ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। बहुत लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी कैसे बने रहे उसका भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी में शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए इस रेसिपी को तो आप एकदम ही लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का रेसिपी हम शुरू करते हैं। क्रिस्पी बैंगन फ्राई रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बाउल के ऊपर में एक स्ट्रेनर रख लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अपना स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहने पाए इसमें। अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैं 1 कप पानी ले रही हूँ। पानी हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए एक विस्कर के मदद से अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसका बैटर भी हमें ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली चाहिए। इस बैटर को तैयार करने के टाइम पे हमेशा एक खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी एक भी गुठलियाँ ना रहने दें। इस तरीके से हमें इस बैटर को तैयार करना है। अच्छे से धीरे धीरे करके इस बैटर को तैयार कर लीजिए पहले। बेसन का घोल को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। इस प्रोसेस को आप 10 मिनट तक अच्छे से कर लीजिए तो अच्छा है। इसमें देखिए गुठलियाँ भी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से घोल ले, अच्छे से मिक्स कर ले एक साथ में। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत बढ़िया सा बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है तो इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट फिर से अच्छे से बैटर को चला लूँगी। बैटर का कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके का होना चाहिए। एक चम्मच लीजिए, चम्मच में थोड़ा सा बैटर को भर लीजिए। उसके बाद चम्मच को उल्टा करके एक उंगली से थोड़ा सा ऐसे खींच के देखिए, देखिए बैटर इधर से उधर हिल नहीं रहा है, मतलब ये सही कंसिस्टेंसी है हमारा क्रिस्पी बैंगन फ्राई बनाने के लिए। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखिए पानी भी मैंने पूरा यूज़ नहीं किया है, काफ़ी पानी बच गया है। अब हम यहाँ पे ढक्कन को लगा के इस बैटर को 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और बाकी चीज़ों को तैयार कर लेंगे। अब हम एक बैंगन ले लेंगे। बैंगन का अच्छे से धो के सुखा ले पहले, उसके बाद बीचों बीच में हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे पतला पतला स्लाइसेस में फिर से कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हमें मीडियम साइज़ में इसको स्लाइस करना है। ये देखिए हमें बैंगन को कुछ इस तरीके से स्लाइस करना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं है। इस साइज़ में आप लोग सारा बैंगन को स्लाइस कर लीजिए पहले। स्लाइस करने के बाद मैंने 2 हिस्सों में बैंगन को कट भी कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। नमक को चारों तरफ इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा मिला लीजिए बैंगन में। रेस्ट किया हुआ बेसन का बैटर को हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ 1 बड़ी चम्मच एकदम ही गरम गरम रिफाइंड ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से इसे मिला लीजिए 2 से 3 मिनट। ये करने से क्या होता है ना, हमारा बैंगन फ्राई जब बनेगा वो पूरा 2 से 3 घंटे तक अच्छे से क्रिस्पी रहेगा। तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप ना करें। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तेल गर्म हुआ है कि नहीं अच्छे से हम थोड़ा सा इस तरीके से बैटर डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद ही अगर वो सीधे ऊपर आ जाता है मतलब हमारा बैटर पूरी तरीके से तैयार है। अगर वो सीधे ही ऊपर आ भी जाता है और थोड़ा सा उसका कलर फटाफट चेंज भी हो जाता है, मतलब तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो तेल को उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा आप ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ही
बाकी का बैंगन का स्लाइसेस सबको डालिएगा। बैंगन का स्लाइसेस सबको हम इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम एक एक पीस करके तेल में डालते जाएंगे। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, हमें गैस का फ्लेम को बिल्कुल भी हाई हीट में नहीं रखना है। हाई हीट में रख के अगर इसे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, बेसन सब अच्छे से पक जाएगा लेकिन बैंगन अच्छे से अंदर से पकेगा नहीं। तो इसीलिए लो टू मीडियम हीट में रखते हुए बैंगन का स्लाइसेस सबको हमें फ्राई करना है। और जब हम तेल में बैंगन का स्लाइसेस सबको डालें उसके बाद 1 से 2 सेकंड रुकने के बाद दूसरा साइड में पलट देना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से फूल जाए। और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लग जाएगा। जितना हो सके आप ज़्यादा टाइम लेके इसे फ्राई करेंगे तो बैंगन भी अच्छे से अंदर से पकेगा और जलेगा भी नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके ध्यान से इसे फ्राई करना है। बैंगन का दोनों साइड्स को 2 से 3 बार इसे पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर ले ताकि अंदर से और बाहर से अच्छे से ये पक जाए और कुरकुरा भी हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे जाके आप लोग के लिए नए नए और मज़ेदार वाला रेसिपीज लाते रहने का मुझे मौका मिलते रहे। और हाँ, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इस रेसिपी को लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा एकदम मज़ेदार वाला बैंगन फ्राई बन के तैयार हो गया। हमारा क्रिस्पी बैंगन फ्राई बनके तैयार हो गया है। आप मेरे दिए गए हर टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को एक बार अपना घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी भी रहता है। बस मेरा बताए गए टिप्स को ज़रूर फॉलो करते हुए बनाइएगा, बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे आप। आपको मैं सुनाती हूँ इसका कितना अच्छा क्रंची सा आवाज़ निकलेगा, देखिए। सुना, अब मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए तोड़ते कितना अच्छा सा आवाज़ आया है और अंदर से भी बैंगन कितना अच्छे से पका है। तो दोस्तों आप अपना घर में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।